अभी मैं लाल किला मेट्रो स्टेशन से निकला और इस तरफ है लाल किला रेड फोर्ट। लाल किला के सामने जहाँ इंडिया का झंडा फहराया जाता है 15 अगस्त को, ये देखिए इंडिया का झंडा यहीं से प्रधानमंत्री हर साल फहराते हैं आज़ादी के बाद से। यहाँ पे प्रधानमंत्री लगता है आके भाषण देते हैं, हाँ ये वाले जगह पे भाषण देते हैं, ये पीछे वाले जगह, और हमारा इंडिया का झंडा तो दिख ही रहा है। एंट्री देख रहे हैं हो रहा है कि नहीं, कोई टिकट नहीं लगता था, अभी टिकट लग रहा है, टिकट ले लेता हूँ पहले, और अभी पहले फ्री था और अभी 50 करके है पर पर्सन टिकट, तो चलिए टिकट लेके चलते हैं, टिकट ले लिया। एंट्री चेक में अभी कैमरा अलाउड है और ये लाल किला का एंट्री, बाकी सब किला जैसे होते हैं वैसा ही है। और लाल किला में भी मैं पहले आया हूँ बट वही फ़ोटो वगैरह है, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। और इधर मंदिर, लाल किला के गेट के पास, और ये रहा लाल किला का एंट्री गेट, दोनों तरफ से दो तोप लगा हुआ है। ये एंटर हो रहे हैं किला पे, लाल किला में एंटर कर रहे हैं, ये देखिए इधर ये हमारा इंडिया का झंडा, और यहाँ से प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद से हर साल यहीं पे जो भी स्पीच है भाषण है देते हैं, और ये रहा इंडिया का झंडा। अंदर चले गए, ना ठीक है, ना ठीक है, ठीक है, कभी इधर आ गए यहाँ पे। ये एंट्री में अभी फोर्ट में एंट्री कर रहे हैं, फोर्ट का जो बीच में है इसमें एंट्री कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा बहुत मार्केट है, बाकी बीच का जो भी चीज़ है वो अंदर है। ये थोड़ा मार्केट वगैरह लगा हुआ है, सब पूरा मार्केट है वहाँ तक, वो आगे का जो दरवाज़ा है ना वहाँ तक पूरा मार्केट ही मार्केट है। बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स और बहुत कुछ है। यहाँ से मम्मी कुछ खरीद रही है, बहुत चीज़ यहाँ पे है। अभी ये किले का दरवाज़ा तक आ गए, बाहर से लाल है ये सब पर यहाँ का कलर जो गेट का एंट्री का है ये पता नहीं मरम्मत के लिए वाइट रखा है या वाइट ही है लगता है। हाँ अंदर में देख के, इधर से भी एंट्री है पर इधर से भी एंट्री है, पर सामने से एंट्री करेंगे, सामने से देखेंगे कैसा है। और ये देखिए ये यहाँ का एक एंट्री,
और सामने लिखा है जय हिंद। तो ये देखिए पूरा लाल किला चट्टा चौक, यहाँ सेंटर की है। और ये देखिए पूरा एरिया, अभी उधर भी बहुत है, उधर भी अभी बहुत है। उधर आगे तरफ चलते हैं, आगे तरफ आपको दिखाता हूँ। ये सब तो लगता है बाद में बना है, कुछ ब्रिटिशर्स भी इसके अंदर रहते थे तो वो लोग ने भी बहुत कुछ इधर बनवाया है। ये नौबत खाना, दीवाने, क्या म्यूजियम, बहुत कुछ है। बाकी ऐसे ही एक सिनॉप्सिस देख लीजिए पूरा यहाँ का। और इधर आ गए अंदर में, ये देखिए इधर का पूरा बगान बहुत बड़ा बड़ा था। ये देखते हैं यहाँ पे ये वाला, ये सब बिल्डिंग क्या है, अलग अलग नाम है। ये क्या है, नौबत खाना। मम्मी बोल रही है वही कि जब 15 अगस्त आता है या उस टाइम यहाँ पे बहुत पहरा रहता है, और अभी पूरा खुला हुआ है। वही मैं बोला कि मतलब वो तो झंडा फहरने का टाइम है तो उस टाइम तो सिक्योरिटी रहता ही है। बाकी देखिए अभी यहाँ ये वाला क्या है, यहाँ पे लगता है वो संगीत वगैरह, नाच वगैरह ये सब होता होगा। चल के देखते हैं, बहुत बड़ा है पूरा एरिया। किला बहुत बड़ा है, ये पीछे बहुत पीछे तक है, बहुत पीछे। वो आते टाइम मतलब पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन तक इसका बाउंड्री पीछे से दिखता है। दीवाने आम, अच्छा हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस, अच्छा अच्छा जनरल पब्लिक हॉल था ये। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा एकदम। उधर इसका जो बाउंड्री सब है वो सब पेड़ दिख रहा है एकदम पीछे, उससे भी बहुत पीछे पीछे तक है। मतलब इसके कुछ इसमें पूरा एक वो आ जाता होगा, बहुत सारे गांव, एक जिला बोलते हैं ऐसा। बहुत बड़ा है ये, यहाँ पे शो वगैरह होते हैं क्या, इधर मस्जिद वगैरह बने हुए हैं। बाकी बहुत बड़ा है। और इधर दीवाने खास, रंग महल, अच्छा रंग महल, रंग महल इधर आगे है, वो है रंग महल। यहाँ पे बक्स गार्डन इधर है, रंग महल थोड़ा देख लेते हैं। रंग महल, दीवाने खास, ऐसे ऐसे सब महल है यहाँ पे। और इधर पूरा जो अभी तक जितने चलते चलते हुए आए पूरा फोर्ट का वो सब पार्ट है। और इस तरफ है गार्डन, गार्डन भी चल के देख लेते हैं क्या है। ये पूरा लाल किला का जो मैप है वो है, आप लोग देखना है तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। क्रांति मंदिर इधर है, और वो हयाते बख्श गार्डन जो इधर दिख रहा है वही है हयात बख्श गार्डन। क्रांति मंदिर ये रानी लक्ष्मीबाई का है, और इसके अंदर होगा लगता है क्रांति मंदिर। अच्छा भारतीय डाक पे रानी लक्ष्मीबाई का जो बहुत पोस्टर बना हुआ था वो है। ये गैलरी है, स्टैम्प्स पुराने जो है वो सब है इसमें। बहुत बड़ा है, एक बड़ा गांव बस जाएगा इसके अंदर, छोटा टाउन बस जाएगा इसके अंदर। तो
तो इधर जो क्रांति मंदिर बना था और ये है म्यूजियम, म्यूजियम अभी बंद है लगता है। नौबत खाना ही एग्जिट है यहाँ का। और आगे कैफेटेरिया वगैरह है खाने के लिए, खाने पीने के लिए इस तरफ। अच्छा ये लाहौरी गेट है वो आगे वाला। और यहाँ द ऑल न्यू साउंड शो दो बार होता है एक्सेप्ट मंडेस, मंडे को छोड़ के, ठीक है। यही दिल्ली का लाल किला जहाँ से 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं हर साल प्रधानमंत्री। और ये है एग्जिट गेट। अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, शाम ऑलरेडी हो गया है। और ये रहा नीचे इंडिया का झंडा, जय हिंद जय भारत। और ये बाहर लाल किला से बाहर आ गए। और ये वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जय हिंद जय भारत।